नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुलायम परिवार के बारे में, खास करके मुलायम परिवार की बहुओं के बारे में। देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का एक अलग ही प्रभाव है। देश में जब समाजवादियों का जिक्र होता है तो उसमें मुलायम सिंह यादव का जिक्र जरूर होता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी का पारिवारिक कुनबा बहुत बड़ा है। इस कुनबे में करीब 25 लोग हैं जो कि राजनीति में सक्रिय हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर आज समाजवादी पार्टी का वजूद है तो उसमें मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा योगदान है। मुलायम सिंह यादव 5 भाई हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव राजनीति में ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। तो चलिए मुलायम सिंह यादव के परिवार पर एक नज़र डाल लेते हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार का अगर जिक्र हो ही रहा है तो शुरुआत हम उनके बाबा से कर लेते हैं। उनके बाबा का नाम मेवाराम था। उनके 2 बेटे हुए, सुघर सिंह और बच्ची लाल सिंह। यह परिवार जब आगे बढ़ा तो सुघर सिंह के 5 बेटे हुए, जिसमें रतन सिंह, राजपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, अभय राम यादव और शिवपाल सिंह यादव। बच्ची लाल यादव के कुनबे में राम गोपाल यादव हुए। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू पिछले दिनों सपा में से नाता जोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में कितनी बहुएं राजनीति में हैं। तो चलिए मुलायम सिंह परिवार के पूरे हम बहुओं के बारे में आगे हम जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिंपल यादव की। तो बात सबसे पहले डिंपल यादव की करते हैं। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव की पत्नी हैं। बता दें कि अखिलेश यादव की शादी डिंपल यादव से 24 नवंबर 1999 को हुई थी। बता दें कि डिंपल यादव शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही, कन्नौज से सांसद भी रही। अगर उनकी पढ़ाई की बात कर लें तो उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की है। आपको बता दें कि अखिलेश और डिंपल दोनों ही आर्मी स्कूल से पढ़े हैं। अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है। अब बात राजलक्ष्मी यादव की। लालू यादव की छोटी बेटी है राजलक्ष्मी यादव। इनकी शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप से हुई है। राजलक्ष्मी की भी पढ़ाई डिंपल यादव की तरह बीकॉम तक हुई है। फिलहाल राजलक्ष्मी के पति तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं और राजलक्ष्मी फिलहाल हाउस वाइफ है। आगे हम बात करेंगे राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की पत्नी रिचा यादव के बारे में। रिचा यादव MBBS डॉक्टर है। इनका अपना अस्पताल है जहां यह लोगों की सेवा करती है, एक तरह से कहें कि मेडिकल जांच करती है, या कहें कि अपनी सेवा दे रही है मेडिकल के क्षेत्र में। इन्हीं इसी कुलवे में अगला नाम है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय है। इनका नाम तब और राजनीति में लाइमलाइट में आया जब इन्होंने अपने परिवार की पार्टी यानी कि सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उस समय यह कहा जा रहा था कि यह एक बड़ा झटका है सपा के लिए और विधानसभा चुनाव में सपा को हार का भी सामना करना पड़ा। अपर्णा की पढ़ाई की बात कर लें तो इन्होंने लंदन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर की है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अपर्णा भी किसी से कम नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं राजलक्ष्मी के बारे में। अब आप कहेंगे कि पहले ही राजलक्ष्मी का जिक्र किया गया है तो फिर राजलक्ष्मी का नाम क्यों आ रहा है। आपको बता दें कि मुलायम परिवार में 2 बहुओं का नाम राजलक्ष्मी है। अब हम जिस राजलक्ष्मी का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है राजलक्ष्मी सिंह। राजलक्ष्मी सिंह के पति का नाम आदित्य यादव है और आदित्य यादव के पिता का नाम शिवपाल यादव है। राजलक्ष्मी सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है लखनऊ। राजलक्ष्मी के पिता संजय सिंह हैं और उनकी माँ शारदा कुंवर सिंह। शारदा कुंवर सिंह राजपुताना मैहर स्टेट की राजकुमारी रही है। राजलक्ष्मी के नाना कुंवर नारायण सिंह जुदेव 3 बार MLA रह चुके हैं। बता दें कि राजलक्ष्मी और डिंपल यादव दोनों की ही पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है। सबसे आखिरी में बात करते हैं सरला यादव के बारे में। मुलायम परिवार में सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरने वाली महिला सरला यादव है, जो कि शिवपाल सिंह यादव की पत्नी है। तो ये पूरा कुनबा है मुलायम सिंह यादव का जो कि राजनीति में सक्रिय है। खास करके अगर हम बहुओं की बात कर लें तो सरला यादव जो है, जो कि शिवपाल सिंह यादव की पत्नी है, वो सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरी थी। और अभी वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो अपर्णा यादव सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, क्योंकि उन्होंने सपा को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में डिंपल यादव की भी तारीफ खूब होती है, क्योंकि जब वो कन्नौज से जीतकर लोकसभा में पहुंची थी उनके भाषण को लेकर जो है खूब चर्चा हुई थी। तो ये था पूरा मुलायम परिवार का कुनबा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।